नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के 27 मई 2024 के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे जो आपके लिए वन लाइनर्स के फॉर्म में होगा और एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किस विधायक को आइडियल यंग एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बेबी देवी, ऑप्शन बी अंबा प्रसाद, ऑप्शन सी पूर्णिमा नीरज सिंह अथवा ऑप्शन डी जोबा मांझी। दोस्तों आइडियल यंग एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा नीरज सिंह को। आइए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को आदर्श युवा विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छात्र संसद कॉन्क्लेव के 13वें एडिशन के गवर्निंग काउंसिल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सैकड़ों विधायक इस अवसर पर वहां उपस्थित थे। आइए अब देखते हैं नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यसभा सदस्यों के स्थान पर झारखंड से दो नए राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव, ऑप्शन बी दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन, ऑप्शन सी महुआ मांझी और आदित्य साहू अथवा ऑप्शन डी संजय सेठ और अर्जुन मुंडा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव के स्थान पर दो राज्यसभा के लिए नए सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है झारखंड से। और ये दो हैं डॉक्टर सरफराज अहमद और डॉक्टर प्रदीप वर्मा। आपको बता दें कि झारखंड से राज्यसभा के लिए ये दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद जेएमएम के हैं जबकि डॉक्टर प्रदीप वर्मा बीजेपी के। आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक घोषणा 14 मार्च 2024 को की गई थी। डॉक्टर प्रदीप वर्मा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे थे और डॉक्टर सरफराज अहमद जो जेएमएम के पूर्व विधायक थे और कुछ दिनों पहले गांडे विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि झारखंड में दो राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 3 मई 2024 को पूरा हो गया और ये दो सांसद थे धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के और समीर उरांव बीजेपी के, जिनके स्थान पर डॉक्टर सरफराज अहमद और डॉक्टर प्रदीप वर्मा का निर्वाचन किया गया है राज्यसभा सदस्य के रूप में झारखंड से। आपको बता दें कि झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की कुल जो सीटें हैं वो 6 हैं और अब बाकी जो 4 हैं वो 2-2 जेएमएम और बीजेपी के पास है। यानी कुल मिलाकर अब बात करें तो 3 बीजेपी के और 3 जेएमएम के एमपी हो गए हैं राज्यसभा में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आलमगीर आलम को हाल ही में किस घोटाले में गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए स्कॉलरशिप स्कैम, ऑप्शन बी फॉर्डर स्कैम, ऑप्शन सी कोल स्कैम अथवा ऑप्शन डी टेंडर स्कैम। दोस्तों टेंडर स्कैम में आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के ये नेता हैं जो झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि टेंडर घोटाले में ईडी ने हाल ही में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर रेड मारी थी। इस रेड में ईडी ने करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे जिससे नौकर जहांगीर आलम के घर से भी 35.5 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। प्रश्न नंबर 3 है, किनके स्थान पर जेएसएससी का नया अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया है?
ऑप्शन ए नीरज सिन्हा, ऑप्शन बी मनीष रंजन, ऑप्शन सी राजीव कुमार अथवा ऑप्शन डी नीलिमा केरकेट्टा। इसका सही उत्तर है दोस्तों, अब तक जेएसएससी के अध्यक्ष रहे नीरज सिन्हा के स्थान पर प्रशांत कुमार को नया जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा के त्याग पत्र के बाद प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है जेएसएससी का। आपको बता दें कि नीरज सिन्हा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के सचिव और प्रशांत कुमार को जेएसएससी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार वर्तमान में जल संसाधन विभाग में सचिव हैं और इसके अलावा उन्हें झारखंड सरकार ने जेएसएससी का अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया है और प्रशांत कुमार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, यानी 2004 बैच के वे आईएएस हैं। आपको बता दें कि जेएसएससी में एक अध्यक्ष और इसके अलावा दो सदस्य भी होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के पहले चरण की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत झारखंड में भी की गई है। ऑप्शन है दोस्तों इसके लिए, ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी लसिका फाइलेरिया, ऑप्शन सी कालाजार अथवा ऑप्शन डी लंपी वायरस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, लसिका फाइलेरिया। यानी लसिका फाइलेरिया के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लसिका फाइलेरिया यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के पहले चरण की शुरुआत की है। आपको बता दें कि MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 75% जिले 5 राज्यों बिहार झारखंड यूपी उड़ीसा और तेलंगाना से हैं। आपको बता दें कि लसिका फाइलेरिया को आमतौर पर हाथीपाव रोग यानी एलिफेंटाइस के रूप में जाना जाता है और यह एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, यानी परजीवी संक्रमण जिसके कारण से यह होता है। आपको बता दें कि यह उष्णकटिबंधीय एक रोग है और जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके अलावा आपको बता दें कि LF यानी लिम्फेटिक फाइलेरिया भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और वर्तमान में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 345 लिम्फेटिक फाइलेरिया जिले हैं, यानी 345 जिलों में कुछ ज़्यादा ही लिम्फेटिक फाइलेरिया के केस देखने को मिलते हैं। MDA के 75% जिले दोस्तों 5 राज्यों में हैं, बिहार झारखंड यूपी उड़ीसा और तेलंगाना। LF शहरी आपको बता दें कि LF यानी लिम्फेटिक फाइलेरिया शहरी गरीबों में अधिक प्रचलित है और ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों में आमतौर पर यह देखा जाता है और ग्रामीण आबादी को यह ज़्यादातर प्रभावित करता है। भारत वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले ही 2027 तक LF को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी 2027 तक भारत में LF को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ ही किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए। ऑप्शन ए रामगढ़ विधानसभा, ऑप्शन बी मधुपुर विधानसभा, ऑप्शन सी गांडेय विधानसभा अथवा ऑप्शन डी मांडर विधानसभा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गांडे विधानसभा में उपचुनाव कराए गए हैं लोकसभा चुनाव के साथ ही, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड की गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और यह उपचुनाव झारखंड में 3 लोकसभा सीटों चतरा हजारीबाग और कोडरमा सीट के उपचुनाव के साथ ही 20 मई 2024 को कराए गए। गांडे विधानसभा उपचुनाव कल्पना सोरेन JMM की वहां प्रत्याशी थी और साथ ही BJP के दिलीप कुमार वर्मा। इसके साथ ही कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे इस उपचुनाव में, गांडे विधानसभा उपचुनाव में। आपको बता दें कि झारखंड की गांडे विधानसभा सीट हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद यह उपचुनाव कराया गया है। चलिए अब देखते हैं आज के वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को, जिसे हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं।
और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रोरी इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राहुल रंजन। झारखंड के गुमला जिले के युवाओं द्वारा बनाए गए ऐप द जोहार झारखंड और मुस्कुराएं आप गुमला में हैं को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह इन दोनों ऐप को दोस्तों इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड और नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गांव के विकास के लिए कितने करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? इसका उत्तर है 100 करोड़ रुपये। मुख्य तौर पर लातेहार और गढ़वा जिले में इसे खर्च किया जाना है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में आदि मानव यानी प्राइमेटिव मैन के साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्तर है सिमडेगा। हाल ही में झारखंड के किस जिले में 149 वर्षों बाद दुर्लभ गरुड़ नजर आए हैं? इसका उत्तर है लोहरदगा जिले में, और इस गरुड़ को लेजर एडजुटेंट स्टॉक के नाम से जाना जाता है और स्थानीय भाषा में इसे गाड़ा गंडूर कहते हैं। आइए और कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। और 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म साउथ कोरिया में आयोजित बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? इसका उत्तर है नाटोक। आपको बता दें कि यह शॉर्ट फिल्म है, 4 मिनट 35 सेकंड की यह फिल्म है और 6 नर्तकों पर आधारित है। एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की वह महिला पर्वतारोही जिसके गंगा मिशन पर माउंटेन मिस्ट मूवीज के बैनर तले फिल्म बनी है? इसका उत्तर है बछेंद्री पाल। आपको बता दें कि गंगा में हरिद्वार से कोलकाता तक की यात्रा 2 बार उन्होंने पूरी की। झारखंड के कितने जिलों में माँ का दूध बैंक यानी ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृति आदेश जारी किया है? इसका उत्तर है 4, यानी रांची, दुमका, हजारीबाग और बोकारो में ह्यूमन मिल्क बैंक के स्वीकृति दी गई है और जल्द ही यह खुलेगा। साहित्य अकादमी ने झारखंड के प्रसिद्ध किस साहित्यकार को अपनी कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया है? इसका उत्तर है महादेव टोप्पो, जो कि झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्हें शामिल किया गया है साहित्य अकादमी में सदस्य के रूप में। झारखंड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोगों को कितना लीटर पेयजल का वितरण प्रतिदिन किया जाएगा? इसका उत्तर है 55 लीटर। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आपके लिए है यह प्रश्न आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए योगेंद्र प्रसाद महतो, ऑप्शन बी हिदायतुल्ला खां, ऑप्शन सी कुमार गौरव अथवा ऑप्शन डी हिमांशु शेखर चौधरी। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, अगले सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा सेशन। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।